आयकर विभाग ने 3 मार्च को फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल, अभिनेत्री तापसी पन्नू और प्रोड्यूसर मधु मंटेना समेत कई फिल्म हस्तियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, अनुराग और तापसी पन्नू से आयकर विभाग ने घंटों पूछताछ की। फैंटम फिल्म्स पर आरोप है कि उसने टैक्स की चोरी की है। इसके बारे में अधिक जानकारी ललन टॉप द्वारा दी गई। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू फिर से चर्चा में हैं, और इस बार मामला किसी ट्विटर वॉर का नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के 4 बड़े नामों की प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, इसके अलावा 2 बड़े नाम हैं, डायरेक्टर विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना। इन सबके घर और दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट ने हल्ला बोला। रेड कई जगहों पर हुई, पर मुख्य आकर्षण या कहें कि सबकी नजर रही फैंटम फिल्म्स पर। ये एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी जिसे 2011 में अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना ने मिलकर बनाया था। तब इस कंपनी को डायरेक्टर्स कंपनी कहा गया। 2015 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसमें करीब 50% हिस्सेदारी खरीदी। फैंटम फिल्म ने कई हिट और क्रिटिकली एक्लेम फिल्में दी, जिसमें लुटेरा, क्वीन, अगली, मसान, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में शामिल हैं। कंपनी के एक पार्टनर विकास बहल पर मीटू मूवमेंट के दौरान यौन शोषण के आरोप लगे, और जिसके बाद दूसरे पार्टनर्स ने कंपनी से दूरी बना ली। इसके बाद कंपनी भंग कर दी गई। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर आई इस खबर के बाद बॉलीवुड गलियारे से रिएक्शन का दौर शुरू हो चुका है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल ने इस संबंध में ट्वीट किया है, अरे यार कुछ भी। प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया और लिखा, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने अपने ट्विटर अकाउंट से सरकार के खिलाफ एक दो ट्वीट क्या किए कि इनकम टैक्स विभाग उनका अकाउंट देखने पहुंच गया। इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट विभाग, NIA और पुलिस इस सरकार की ए टीम है। इनकम टैक्स के इस रेट को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके लिखा है, उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। इसके अलावा विपक्ष के और भी कई लीडर इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। हमारा डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए हुए। लीडर्स हों, चाहे आपके कलाकार हों, साहित्यकार हों, एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोगों को चुन चुन करके जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। CAA का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने सरकार पर खुलकर हमला किया है। जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो कई बॉलीवुड सितारों ने एकता का संदेश दिया था, लेकिन तापसी ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तापसी ने लिखा था, अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में अनुराग कश्यप पहुंचे थे। हमारे कानून से देश में रहने वालों के खिलाफ नहीं है, कानून में विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनके किसी भी एक्शन में इन्होंने जो कहा है वो किया नहीं है। अगर ये सरकार शुरू से जो कहती वो करती आती ढंग से, जो उन्होंने सिटीजन को प्रॉमिस किया, ये नहीं कि जो मैनिफेस्टो में डाला है, जब वो बात करते हैं तो सबकी एक समान बात करें, क्योंकि जो भारत वर्ष है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से नहीं बनता, वो जमीन में लकीर खींचने से इंडिया का आइडिया नहीं आता, इंडिया का आइडिया इंडिया के लोगों से। जो भारत है भारत के लोग हैं, वो भारत है, वो बाउंड्री खींच लेने से भारत नहीं बन जाता। और जो होम मिनिस्टर है वो होम मिनिस्टर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। हमें सबसे ज्यादा असुरक्षा होम मिनिस्टर से ही महसूस होगा, किस बात का होम मिनिस्टर। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी कुछ अहम जानकारी दी। उन्होंने अपने शो में इस रेड के साथ साथ सरकार द्वारा पत्रकारों पर किए जा रहे केस को लेकर भी बात की। आखिर बीजेपी सरकार इतनी बड़ी कायर, इतनी बड़ी डरपोक क्यों है?
कि जो आपकी आलोचना कर रहा है आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स रेड्स डाल देते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में आप में से कई लोग जानते होंगे, न्यूज क्लिक जो कि एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 110 घंटे तक उनके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से पूछताछ की। और अब मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करता हूं दोस्तों, HW न्यूज। क्या आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी? इन लोगों का क्या दोष है? क्या इन लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि इस देश के आम इंसान की आवाज उठाते हैं, इस देश के किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से मैं अपने कार्यक्रम बेबाक में लाइव टीवी में उठाता हूं, या लाइव टीवी में जिस तरह से हमें तमाम मुद्दे आपके सामने उठाते हैं, क्या हमारा दोष सिर्फ इतना है? ये मुद्दा मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आइए देखते हैं कि इस मुद्दे पर गोदी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि ये बदले की कार्रवाई जब महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के खिलाफ कर रही थी, तब कोई क्यों नहीं बोल रहा था? तब ये सारे राजनीतिक पार्टी के धुआंधार बैटिंग करने वाले राजनेता कहां चले गए थे? मुद्दा ये है कि इनकम टैक्स विभाग की जांच हमेशा किसी जानकारी के आधार पर ही होती है, और अभी तो सिर्फ जांच हो रही है। अगर कुछ गलत पाया गया तो एक्शन होगा, लेकिन किसानों के समर्थन कर देने से आपको जान से छूट का लाइसेंस क्या मिल जाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आंदोलन के नाम पर आज आर पार इसी पर। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, ऐसे हम पहले भी काफी केस देख चुके हैं। अब इस मुद्दे को भी इसी तरह देखा जा रहा है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो सरकार ने इस कारण उन पर कार्रवाई की। खैर, देखते हैं किस मुद्दे में आगे चलकर क्या नया सामने आता है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।